हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 30 जून 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज देखो, हमने पीछे 2-3 दिन की डिस्कशन है वो नहीं की थी, तो उसकी जो न्यूज़ है उनको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्योंकि देखो, तबीयत खराब थी तो गले की वजह से बोल नहीं पा रहा था ढंग से। तो जो पहला आर्टिकल आज हमारा वो है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट को लेके। देखो कंटेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। कंटेक्स्ट यह है कि अभी रिसेंटली नीति आयोग और इसी के साथ टेक्निकल सपोर्ट रहा था वर्ल्ड बैंक का और हेल्थ मिनिस्ट्री का, इनके द्वारा हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया की रिपोर्ट जारी की गई और इसी के साथ एक हेल्दी इंडेक्स 2019, इन्हीं की हेल्दी इंडेक्स का सेकेंड एडिशन है ये लॉन्च है वो किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और जो टेक्निकल असिस्टेंट या सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया गया है वर्ल्ड बैंक प्लस हेल्थ मिनिस्ट्री। इस जो रैंकिंग में एक्चुअली केरला को नंबर 1 स्थान दिया गया है, मतलब केरला में हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। वहाँ पे अगर पर पर्सन की हेल्थ को देखा जाए, जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट रहो या फिर आम जनता के द्वारा, वो काफ़ी अच्छा रहा है। जबकि आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पर रहा है और यूपी की कंडीशन सबसे वर्स्ट रही है। यूपी का जो स्कोर रहा है वो यहाँ पे रहा है 28 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से यूपी को केवल 28 मार्क्स मिले हैं, केरला को मिले हैं 70.01। तो ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। देखो वैसे इसमें 23 जो इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के, उन पैरामीटर्स के आधार पर जारी किया जाता है। जैसे कि वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, टॉयलेट्स वगैरह का यूज़ है, इस तरीके के पैरामीटर्स होते हैं और उन्हीं के आधार पर यह इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। इसमें एक फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, U5MR। U5MR का मतलब क्या है? अंडर 5 मॉर्टी रेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या भाई अंडर 5 मैटरनिटी रेट है वो क्या होती है, मैटरनिटी डेथ रेट सॉरी। देखो एक्चुअली क्या होता है, वो बच्चे जिनकी एज 5 साल होने से पहले वो डेथ हो जाती है उनकी, उन बच्चों को इस U5MR में काउंट किया जाता है। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही इसके लिए काफ़ी सारी स्कीम भी चलाई गई। आपको पता है इंडिया में गरीबी हटाने के लिए वर्ल्ड बैंक है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम है वो लेके आता है, और इसीलिए उस प्रोग्राम में भी इसी का एक अहम पार्ट है वो यहाँ पे हो रहा है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपको पता है कि 2030 तक हमें अचीव करने हैं, उसमें से अगर हम बात करें गोल की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ सब प्लान भी है उसमें। मेन गोल तो 17 है ठीक है, हमें पता है, बट उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टों में फिर इनको डिवाइड किया गया है। तो उसी में से एक पार्ट आ जाता है कि भाई साहब जो ये U5MR यानी कि अंडर 5 जो मेटर्निटी रेट है इसको हमें पर 1000 बच्चों पे 25 तक लेके आ रहा है, मतलब मैक्सिमम 25 बच्चों की डेथ है वो तक हो सकती है, इससे ज़्यादा बच्चों की डेथ नहीं होनी चाहिए, ये इसका टारगेट रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अंडर 5 मेटर्निटी रेट है इसका क्या टारगेट रखा गया है, ये कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे एस्ट्रोबी रोबोट को लेके। देखो अभी रिसेंटली नासा के द्वारा एक रोबोट है उसको लॉन्च किया गया है, क्या उसकी खासियत है वो हम देखेंगे। उसका नाम है बम्बले और इसी की तरह एक पहले भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम तो है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो एस्ट्रोबी रोबोट है ना, बम्बली और हम्बले, ये किसके द्वारा जारी किया, सॉरी हनी और बम्बले, ये जारी किए गए हैं नासा के द्वारा, नासा की जो स्पेस स्टडी है उसको प्रमोट करने के लिए। होगा क्या इनमें, रोबोट्स में क्या स्पेशल है? ये देखो जो रोबोट है ना वो खुद की एनर्जी से ही अपने आप को चार्ज करेंगे, मतलब इनको बाहर से किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, खुद के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी उसी से इनको एनर्जी है वो मिलती रहेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एस्ट्रो भी रोबोट है वो नासा के हैं और ये खुद की एनर्जी से काम करेंगे। यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई ये सन की एनर्जी वगैरह से कैसे काम करेंगे, तो नहीं हमें पता होना चाहिए कि भाई सेल्फ एनर्जी का यूज मेथड है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्लास्टिक पार्क को लेके। क्या है प्लास्टिक पार्क? देखो अभी गवर्नमेंट ने 5 प्लास 4 प्लास्टिक पार्क्स की स्थापना करने की बात हो गई है। कहाँ कहाँ पे हैं वो तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए नहीं होता है, वो जो स्टेट पीसीएस की बात करें या फिर एसएससी लेवल के एग्जाम में मेनली पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। प्लास्टिक पार्क है क्या? इसमें क्या होता है कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट जोन क्रिएट किए जाते हैं, मतलब वहाँ पे जो पुराना प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है और फिर नए प्लास्टिक को वहाँ पे डेवलप करने की प्रोसीजर है उस पर फोकस किया जाता है। और इसका जो गवर्नेंस का काम है प्लास्टिक पार्क्स का, वो एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा और फिर उसको गवर्नेंस वो किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सुपर बग्स को लेके। देखो अभी साइंटिस्ट के द्वारा एक स्टडी की गई है, उस स्टडी में ये कहा गया है कि जो सुपर बग्स है ना इनका जो ट्रांसमिशन है वो प्लांट्स के द्वारा भी पॉसिबल है, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं इनके द्वारा भी सुपर बग्स का ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल है। तो देखो अगर ऐसा होता है तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि प्लांट्स के द्वारा अगर इनका मतलब ट्रांसमिशन होने लग गया सुपर बग्स का, तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई सुपर बग होते क्या हैं। देखो सुपर बग का सीधा सीधा अगर हम बात करें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, वो ये है, एग्जांपल से देखते हैं। इसे मान लो कि कोई भी पर्सन है,
सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लो उसको कोई डिजीज हो गई, ये मान लो कि उसको एक्स डिजीज हुई किसी भी पर्सन को, वो पर्सन मेडिसिंस ले रहा है, ठीक है, उसने बीच में मेडिसिन छोड़ दी, या फिर थोड़े दिन, जैसे उसको मान लो कि 3 महीने का कोर्स था, उसने 2 महीने कोई मेडिसिन ली, 1 महीने मेडिसिन लियो, कुछ भी किया हो, मतलब उसने मेडिसिन टाइम पे नहीं ली, या फिर बिना सोचे समझे कोई भी मेडिसिन ले ली, जैसे बुखार हो गई तो कोई मेडिसिन ले ली, कोई कैसी भी मेडिसिन उसने अडोप्ट है वो कर ली, होगा क्या, एक टाइम बाद इस पर्सन पे जो मेडिसिन है इनका असर करना बंद हो जाएगा, मतलब जो एंटीबायोटिक मेडिसिन दी गई है इस पर्सन को उनका असर धीरे धीरे बंद हो जाएगा, जो बॉडी, इसकी बॉडी है वो इन एंटीबायोटिक का कोई भी मतलब एक्शन है वो नहीं लेगी, फलस्वरूप क्या होगा, इस पर्सन की बॉडी में अगर कोई भी बीमारी हो जाएगी तो वो बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि भाई उस पर मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है। देखो ये जो कंडीशन होती है ना इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और इसी के तहत आता है सुपर बग, मतलब उनकी बॉडी ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है, एक ऐसा सुपर बग बना लिया है जो कि किसी भी मेडिसिन या एंटीबायोटिक का असर है उस पर नहीं हो रहा है, तो वो होती है सुपर बग, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाता है बॉडी में, जो एंटीबॉडी हम लेते हैं मेडिसिन लेते हैं उनका असर होता नहीं है, वो कंडीशन होती है सुपर बग वाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने पे। इसके रीजन क्या है, इसके रीजन देखो सबसे बड़ी यही है कि जो ड्रग्स होती हैं या तो इनका सही ढंग से यूज नहीं किया जा रहा है, किसी पर्सन को जैसे डॉक्टर, एग्जाम्पल लो मेनली ऐसा जो केस है वो टीबी में देखा जाता है, टीबी में क्या होता है, देखो जो कोर्स है वो होता है 6 महीने का नॉर्मली, अब कई बार क्या होता है पर्सन जब स्टार्टिंग में कोर्स स्टार्ट करते हैं तो महीने भर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो उनको धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगती है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई दवाई काम कर रही है तो 6 महीने की क्या जरूरत है, बस खत्म कर देते हैं, बट होता क्या है ऐसा करने से टीबी का जो वायरस है वो वापस फैल जाता है और बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जो कि बाद में जो मेडिसिन ली जाएंगी वापस से टीबी वाली उनका असर उन पर नहीं होगा, तो इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भाई फिर बहुत ही हैवी डोज देने होते हैं पर्सन को, तो उससे पर्सन की जान भी जा सकती है, तो इस तरीके के खतरे होते हैं अगर जो एंटीबायोटिक दवाई होती है उनको ना मिसयूज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है यूनिवर्सल स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस। देखो अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान किया गया है कि ऑल इंडिया में जो लाइसेंस हैं वो स्मार्ट कार्ड बेस्ड होंगे, जिस तरीके से आपने दिल्ली मेट्रो में जो मेट्रो कार्ड देखा है स्मार्ट कार्ड जैसा, उसी तरीके के कार्ड हैं उनमें ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा भी नया फीचर लेके आ गया है, और ऑल इंडिया में एक ही कार्ड होगा, यानी ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है वो दिल्ली में भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लेगा, हरियाणा में भी बनवा लेगा, पंजाब में भी बनवा लेगा, राजस्थान में भी, उसको ये सिर्फ एक ही जगह ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनाने की अनुमति रहेगी, क्योंकि सारा सिस्टम सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, इसीलिए एक आपको पता है गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेशन भी जारी किया गया था जिसका नाम था सारथी एप्लीकेशन। सारथी एप्लीकेशन है वो एनआईसी, एनआईसी का मतलब नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, इसके द्वारा डेवलप किया गया था, और सारथी एप्लीकेशन का मोटो ये है कि जो वाहन चालक यानी जो ड्राइवर है ना उनकी सारी डिटेल इस पोर्टल पर रहेगी, तो वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा भी एक्सेस है वो किया जा सकता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लीसा, लीसा का मतलब है लूनार एक्विजिशन सिस्टम असेंबली, क्या है ये हम देखते हैं एक्विजिशन असेंबली का। देखो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है, पहला तो फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, यह एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, ये उपकरण क्या काम करेगा वो हम देखते हैं, लिसा है ये उपकरण, ये काम करेगा जैसे कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाता है और वो जो ही वहाँ उसको स्पेस में जाने के बाद से कि मान लो कि वो मंगल ग्रह पे गया और मंगल ग्रह पे उतरने के बाद उसे कोई प्रॉब्लम हो गई बाहर, तो उसको वापस स्पेस यान तक लाने के लिए ही जो मेथड यूज किया जाएगा या जो सिस्टम या हम बात करेंगे जो उपकरण यूज किए जाएंगे उसका नाम है यहाँ पे लिसा, मतलब लिसा क्या करेगा, कोई भी एस्ट्रोनॉट जिसकी तबीयत खराब हो गई कुछ भी इसके साथ होगी अनहोनी होगी है तो उस पर्सन को वापस धरती तक सक्सेसफुली लाने के लिए मेन इसका काम है वो किया जाएगा, ये है इसका काम, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है। अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि नासा का एक मिशन है 2024 में लॉन्च करने की, वो है मून मिशन, इस मिशन का टारगेट ये है कि मून की स्टडी है वो की जाएगी, इसी को लेकर मिशन जारी किया जाएगा, तो उसमें इस लिसा का यूज़ है वो किया जाना है। इसी के साथ एक छोटी सी न्यूज़ और थी, वो थी नासा का जो क्यूरियोसिटी मिशन है वो, देखो नासा का जो क्यूरियोसिटी मिशन है ना ये मार्स की स्टडी के लिए है, और इसको लेकर छोटी सी न्यूज़ ये आई थी कि मार्स के ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में मीथेन के स्टोरेज है वो मिले हैं अभी, मतलब मीथेन गैस का वहां पे पता चला है। अब देखो इससे क्या पता चलता है मीथेन के सबूत मिलने से, इससे ये पता चलता है क्योंकि जो मीथेन है ना देखो वो नॉर्मली जो एनिमल होते हैं ना उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि जो हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ या फिर इंसान हो या फिर और भी तरह के आप बोल सकते हो कि जानवर हो गए उनके द्वारा मीथेन गैस का मेनली प्रोड्यूस है या उत्पन्न है वो की जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है कि भाई वहाँ पे जीवन था पहले या फिर वहाँ पे जीवन होने की संभावना पाई जा सकती है, तो इसलिए एक छोटी सी न्यूज़ थी मीथेन को लेके, तो ये हमें ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो होता क्या है कि तीन तरह मतलब तीन स्टेज के एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर, दूसरा आता है सेकेंड और तीसरा थर्ड। फर्स्ट स्टेज का वैसे नाम होता है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। सेकेंड स्टेज वाले में क्या होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, और थर्ड में होता है थोरियम बेस्ड रिएक्टर। तो अभी हमारे देश में जो गवर्नमेंट है ना वो थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर पे ज़्यादा रिसर्च है वो कर रही है, और इसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 1950 में जो हमारे प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे होमी जहांगीर बाबा, उनके द्वारा इस एक मतलब लेबोरेटरी भी स्थापित की गई थी थोरियम की स्टडी के लिए, और अभी उस पर जोर शोर से काम चल रहा है। ये सारा जो काम है वो प्रधानमंत्री के डायरेक्ट अंडर होता है, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE, इसके द्वारा ये सारा काम रेगुलेट है वो किया जाता है। अब ये तीन स्टेज का क्या सीन है वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तीन स्टेज का देखो सीधा सीधा, एक सेकेंड रुको मेरे पास, एक सेकेंड। हाँ ये मिल गई, देखो यहाँ समझते हैं एक बार। हाँ याद देखना आप, देखो पहली स्टेज में क्या होता है कि जो नॉर्मल नेचुरल यूरेनियम होता है यानी कि जिसे हम U-238 कहते हैं, वो यूरेनियम यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। तो उसको फिर क्या किया जाता है मतलब उसको आगे प्रोसेस किया जा रहा है, और उससे क्या होता है एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसी के साथ बाई प्रोडक्ट भी होता है। बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है यहाँ पे, प्लूटोनियम निकलता है। और आपको पता है कि जो न्यूक्लियर में काफ़ी बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है, ताकि भाई साहब जो भी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, अदरवाइज ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। और जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकल रहा है, प्लूटोनियम, ये तो होगी फर्स्ट स्टेज का। अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जो प्लूटोनियम है ना इसी को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाएगा, यानी सेकेंड स्टेज में क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम है वो तो रॉ मटेरियल के तौर पे काम किया जाएगा, और इसी के साथ बाकी इसमें जो और यूरेनियम है उसको भी शामिल है वो किया जाएगा। और फिर इससे जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा और एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को तो कंज्यूम कर लिया जाएगा, और फिर यहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में तो निकलेगा थोरियम, और इसी के साथ जो एक्स्ट्रा थोरियम होता है उसका यूज करके थर्ड स्टेज के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको डेवलप है वो किया जाएगा। अभी जो इंडिया में मेनली जो एनर्जी है वो केवल इस पहली वाली प्रोसीजर ने आपको दिख रही है फर्स्ट स्टेज वाली, इसी से प्रोड्यूस की जा रही है। लगभग इंडिया में अगर हम बात करें तो मेजर जो पावर प्लांट है वो 20 के आसपास है न्यूक्लियर बेस्ड, और उनमें सारी एनर्जी है वो फर्स्ट स्टेज के प्रोग्राम के तहत ही की जा रही है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है थोरियम बेस्ड वाले, ये थर्ड स्टेज वाले, ये देखो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है ना थर्ड स्टेज वालों में जो थोरियम, ये एक्चुअली इंडिया में भारी मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम का जो एस्क, सॉरी जो थोरियम का जो एस्क होता है ना उसको मोनोजाइट कहते हैं, और वो इंडिया में बहुत ही बड़ी तादाद में पाया जाता है। बाकी जो यूरेनियम 238 वगैरह है ये इंडिया को बाहर से इम्पोर्ट करना होता है। तो अगर आप खुद सोचिए कि इंडिया थर्ड स्टेज वाले न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करता है थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो इंडिया को बाहर से मतलब चीज़ें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी। मैं चीज़ें का मतलब जो रॉ मटेरियल क्या हुआ थोरियम, बाहर से इंडिया को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में स्टोरेज यहाँ पे किया गया है। तो ये सारी मेंटी मोटी प्रोसीजर हमने यहाँ पे एक बार देख ली है कि भाई कैसे रिएक्टर वो डेवलप किए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे आया है इम्प्रेस्ड टर्टल्स के बारे में। इम्प्रेस्ड टर्टल का मतलब होता है कछुआ। देखो इम्प्रेस्ड टर्टल कछुए की एक प्रजाति है, कौन सी मतलब स्पीसीज की है ये, वैसे है मनोरिया जिन्स, मनोरिया जिन्स की एक प्रजाति है कछुए की, और ये अभी ध्यान रखना है IUCN की लिस्ट की अगर हम बात करें प्रोटेक्शन में तो इसको वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है। कंटेक्स्ट अभी आया है कि ये जो इम्प्रेस्ड टॉर्टोइज है ना ये इंडिया के आंध्र प्रदेश में पाया गया है, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। मेनली जो ये है ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, इंडिया में इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला था, बट अभी रिसेंटली इसका नया एविडेंस मिला है कि भाई ये जो मनोरिया जिन्स का जो ये कछुआ है इम्प्रेस्ड टॉर्टोइज, ये इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में अभी डिस्कवर किया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है NGO इंडिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बस एक बार छोटी सी न्यूज़ है तो कवर कर लेते हैं। NGO इंडिया क्या है कि रोड सेफ्टी के लिए जो NGO इंडिया में काम कर रहे हैं ना, या जिन्होंने जिन NGO ने काफ़ी अच्छा काम किया है उनको गवर्नमेंट है वो ग्रांट प्रोवाइड करवाएगी हर बजट में। तो इसी के लिए वो भी इन्हें इनिशिएटिव लिया गया है कि भाई जो NGO इंडिया में रोड सेफ्टी को लेकर स्टेप उठा रहे हैं उनको गवर्नमेंट है वो, अगर उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है तो उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया है तो गवर्नमेंट उनको ग्रांट प्रोवाइड करवाएगी। लगभग 5 लाख तक की ग्रांट है वो दी जाएगी पर NGO को, बट डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पे कि कौन से NGO को गवर्नमेंट ये दे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है मोशन ऑफ थैंक्स को लेके। देखो आर्टिकल जो 50 से 80 से होना है हमारे संविधान के, उसके अंदर लिखा गया है कि जब भी सेशन होते हैं तो उसकी कौन से सेशन पहले वो देखते हैं,
एक तो वो सेशन जो कि हर साल पहला सेशन होता है, मतलब जनवरी के बाद, जनवरी महीने में या फरवरी में या फिर मार्च में, कोई भी अगर पहला सेशन होता है नए साल का, तो उसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो दोनों सदनों के सदस्यों को मिला के मतलब एक तरीके से संबोधित करते हैं। उसमें गवर्नमेंट के जो भी प्लान पॉलिसी होते हैं फ्यूचर, उनके ऊपर डिस्कस की जाती है, उनके बारे में बताया जाता है कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कैसे काम करने वाली है, ये इस गवर्नमेंट के टारगेट्स रखे गए हैं, ये गवर्नमेंट की द्वारा ये नई नई पॉलिसीज लाई जाएंगी वगैरह वगैरह, ऐसी बातें डिस्कस की जाती हैं। एक तो कौन सा हुआ, हर साल का पहला सेशन, और इसी के साथ ही ये मान लो कि अगर जनरल इलेक्शन हुए हैं जिस साल, जैसे आपको पता है इस साल इंडिया में भी जनरल इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट आया था मई में, तो इसके बाद जो पहली लोकसभा का सेशन हुआ था, तो उस दौरान क्या हुआ था, जो राष्ट्रपति थे उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को मिला के संबोधित किया था। उस संबोधन में क्या हुआ था, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट के जो भी प्लान पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में राष्ट्रपति हैं वो डिस्कस है, मतलब उनके बारे में तारीफें की जाती हैं, सीधी सी बात ये। अब देखो, राष्ट्रपति ने संबोधित कर दिया, संबोधित करने के बाद क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, इसको ये प्रस्ताव लेके आता है मोशन ऑफ थैंक्स, मतलब वो धन्यवाद प्रस्ताव लेके आते हैं कि हाँ भाई काफ़ी अच्छा काम है वो किया जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसी बातें यहाँ पे की जाती हैं, और इसके बाद डिस्कशन भी की जा सकती है। देखो, डिस्कशन करना कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको डिस्कशन करनी ही होगी, जो मोशन ऑफ थैंक्स लाया जा रहा है इसके लिए, ये केवल और केवल औपचारिक तौर पर या फॉर्मेलिटी के तौर पर किया जाता है। एक फैक्ट ये ध्यान रखना है, मोशन ऑफ थैंक्स कौन लेके आता है, रूलिंग पार्टी लेके आती है, बट ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोशन ऑफ थैंक्स वो पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये पास नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि जो पार्टी है या रूलिंग सत्ता है उसके खिलाफ जो भी है वहाँ पे एमपी हैं वो मतलब खुश नहीं है, उनको नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी, तो ये पास करवाना बहुत मैंडेटरी होता है, अदरवाइज सरकार गिर सकती है। तो ये कुछ हमने कंडीशंस देख ली, क्या है मोशन ऑफ थैंक्स, वो हमने देख लिया कि भाई राष्ट्रपति साहब हैं वो साल में मेनली एक तो पहला जो सेशन होता है उसमें दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं, और इसी के साथ जब बाद में अगर नई इलेक्शन हुए हैं जनरल इलेक्शन, तो उसके बाद भी जो पहली मीटिंग होती है तो उसमें भी राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री हैं वो मोशन ऑफ थैंक्स के लिए आते हैं और फिर वहाँ पर उसको पास करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये है कि अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है, उसमें ये पता चला है कि जो प्रोटॉन बीम होते हैं, जिस तरीके से आपको पता है लेजर बीम हम जानते हैं, उसी तरीके से प्रोटॉन बीम की हेल्प से भी कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है। तो देखो, अगर प्रोटॉन बीम के द्वारा लेजर जो सॉरी प्रोटॉन बीम के द्वारा अगर कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंडिया को बाहर से जो बहुत महंगी महंगी मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, बहुत कॉस्टली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लेने होते थे जैसे कोबाल्ट 60 वगैरह, ऐसे वो एलिमेंट्स इंडिया को नहीं लेने होंगे, क्योंकि प्रोटोन बीम के द्वारा एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट वो किया जाएगा, और इससे रेडिएशन का खतरा भी कम हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखो, बीम थेरेपी की एक टाइप है प्रोटोन बीम वाला। अब यूपीएससी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली प्रोटोन बीम थेरेपी न्यूज में थी, किससे रिलेटेड है, तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट को लेके मेनली फोकस है वो कर रही है। इसी के साथ नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को लेके। देखो, नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल है ना, ये हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1978 के तहत बनाई गई थी। वैसे तो हमारे देश में टोटल 6 काउंसिल हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इसी के साथ है एक सेंट्रल, ठीक है, ये तो मोटी मोटी हमने देख ली, पर एक नॉर्थ ईस्ट की अलग से बनाई गई है, ये आपको फिर ध्यान रखना है। नहीं, पांच तो कौन कौन सी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, तो ये तो हो गई पांच, छठी कौन सी है, एक सॉरी छठी वो यहाँ पे हो जाती है ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जो कि एक अलग से बनाई गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो पांच काउंसिल है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल वाली, ये तो बनाई गई है अलग एक्ट के तहत, और जो ये नॉर्थ ईस्ट वाली है ये बनाई गई है अलग एक्ट के लिए, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काउंसिल का काम क्या होता है, जोनल काउंसिल का या इनका इनका देखो मेन टारगेट ये होता है कि जो स्टेट्स है ना इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, पीस को प्रमोट किया जाए, सिक्योरिटी को लेके एक साथ है वो वर्क किया जाए, मतलब ऑल ओवर बात ये है कि कोऑर्डिनेशन, इसी के साथ शांति, सिक्योरिटी, और अगर हम बात करें तो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए इन जोनल का निर्माण है वो किया गया है। ये इसका मेंबर कौन होता है वो इंपॉर्टेंट है, और इसके चेयरपर्सन, देखो जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर, और अगर हम बात करें मेंबर की तो जो गवर्नर्स होते हैं सब उन स्टेट के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं आपको बताएं, वो 8 स्टेट हैं, तो उन 8 स्टेट के गवर्नर और इसी के साथ वहाँ के CM है वो सब इस काउंसिल के मेंबर हैं वो होते हैं। ये एक फैक्ट आप ध्यान रखना कि जो बाकी और 5 जोनल काउंसिल हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से डिफरेंट है, इसको अलग एक्ट के तहत बनाया गया है और उन पांचों को अलग एक्ट के तहत बनाया गया है, ये फैक्ट यूपीएससी आपको पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एपेडा के बारे में। एपेडा का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
देखो इसको अपेक्डा एक्ट 1985 के तहत बनाया गया था। काम क्या है इसका? इसका काम यह है कि हमारे देश में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है इसको प्रमोट करना, इसी के साथ ही जो मतलब पार्सल फूड हो गए, जैसे कि हम बात करें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, मीट्स हो गया, ऐसे आइटम को एक्सपोर्ट करने के लिए गाइडलाइन और उनको एक्सपोर्ट करने के ऊपर फोकस किया जाता है। ये काम किया जाता है अपेडा के द्वारा। इसके चेयरपर्सन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो रिसेंट करंट गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और इसके डायरेक्टर हैं वो अपेडा खुद ही अपॉइंट है, वो करती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि अपेडा के जो डायरेक्टर हैं वो अपेडा खुद नियुक्त करती है और बाकी चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है गो ट्राइबल कैंपेन। देखो गो ट्राइबल कैंपेन है ना, ये है भी ट्राइफेड जो कि आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ट्राइफेड का मतलब है यहाँ पे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो ट्राइफेड है ये खुद, और इसने क्या किया अभी अमेजोन के साथ टाइप किया है, अमेजोन की जो वेबसाइट आपने देखी होगी शॉपिंग के लिए उसके साथ टाइप किया है, और उसमें ये होगा कि जो ट्राइबल एरिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस पर सेल किए जाएंगे। मतलब ट्राइबल एरिया के जो भी प्रोडक्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह आइटम, वो सारे प्रोडक्ट हैं वो अमेजोन के थ्रू सेल किए जाएंगे, जिससे ट्राइबल्स की जो आजीविका है वो सुनिश्चित होगी और उनको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। तो उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।